सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। ₹5,000 की सीमा तक स्टाम्प बिक्री लाइसेंसधारी विक्रेताओं के माध्यम से सुनिश्चित कराने समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर पलामू जिले के मुद्रांक विक्रेताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज गुरुवार 10वें दिन भी जारी रहा। झारखंड प्रदेश मुद्रांक विक्रेता संघ के आह्वान पर नवनिर्मित जिला समाहरणालय के समक्ष एकजुट मुद्रांक विक्रेताओं ने कहा कि लड़ाई आर पार की है और सरकार को उनकी मांगे पूरी करनी होगी। धरना के दौरान संघ सचिव नागेंद्र सिंह ने कहा कि उनके पास अब रोजगार की कोई विकल्प नहीं है, जबकि प्रदेश भर में ई ग्रास के लागू होने से उनके समक्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में उनके लाइसेंस का अब कोई औचित्य नहीं रहा। कहा, सरकार इस दिशा में यदि जल्द ही ठोस सकारात्मक पहल नहीं करती है तो वे आंदोलनात्मक रुख अख्तियार करने को बाध्य होंगे। मौके पर पलामू जिला मुद्रांक विक्रेता संघ के अध्यक्ष ब्रिजमोहन कुमार सहित बसंत करण, निर्मल कुमार सिंह और लक्ष्मी नारायण गुप्ता समेत कई लाइसेंस धारियों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया। गवर्नमेंट का ऑनलाइन सिस्टम जो किए हुए हैं स्टाम्प के लिए जी, उसके अगेंस्ट में हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग के पास लाइसेंस और 38 साल 32 साल कोई 40 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और ऑनलाइन सिस्टम जब से सरकार की है तब से हमारे पास कोई स्टाम्प लेने नहीं आता। अब कहीं से भी कोई भी स्टाम्प निकाल के दे सकता तो फिर मेरे लाइसेंस का कोई औचित्य नहीं है। लाइसेंस रहे या न रहे उससे फिर कोई लेना देना है नहीं, चूँकि कोई आएगा ही नहीं और सरकार जो है सो छाप के भेज भी नहीं दी, हम लोग को स्टाम्प भी नहीं दिया जा रहा है। वैसे परिस्थिति में हम लोग जो है सो भुखमरी के कगार पे आ गए हैं, खाने पीने का भी लाला पड़ गया है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग यह करते हैं कि हमारा जो पहले से ऑफलाइन का व्यवस्था था उसी टाइप का व्यवस्था किया जाए, बरकरार रखा जाए। क्या नाम हुआ? नागेंद्र कुमार।